द कश्मीर फाइल्स फिल्म के रिलीज होने के बाद से सोशल मीडिया पर इसको लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ और लाल कृष्ण अडवाणी के पुराने वीडियोस शेयर करते हुए दावा किया गया था कि ये लोग द कश्मीर फाइल्स देखते समय भावुक हो गए। अरविंद केजरीवाल के बारे में भी ये दावा किया गया था कि उन्होंने कश्मीरी पंडितों का मजाक उड़ाया, जबकि ये सच नहीं था। ऑल्ट न्यूज इस फिल्म से जुड़े कई दावों की असलियत सामने ला चुका है। ऐसा ही एक दावा फिलहाल इस तस्वीर के साथ शेयर किया जा रहा है। तस्वीर में पीएम मोदी के साथ द कश्मीर फाइल्स फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री दिख रहे हैं। इसे शेयर करते हुए दावा किया जा रहा है कि विवेक अग्निहोत्री ने फिल्म की कमाई से 200 करोड़ रुपए का चेक प्रधानमंत्री राहत कोष में दान किया, जिसे कश्मीरी पंडितों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ध्यान दें कि इस फिल्म की कमाई 250 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। ये तस्वीर इसी दावे के साथ ट्विटर से लेकर फेसबुक तक वायरल है। तो क्या वाकई में विवेक अग्निहोत्री ने 200 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री राहत कोष में दान किए? जवाब है नहीं। मीडिया में इस बात की कोई खबर नहीं है कि विवेक अग्निहोत्री ने 200 करोड़ रुपए पीएम राहत कोष में डोनेट किए। इसके अलावा विवेक अग्निहोत्री को एक इंटरव्यू के दौरान फिल्म की कमाई के पैसे डोनेट करने को लेकर सवाल पूछा गया था। इस पर जवाब देते हुए उनकी पत्नी पल्लवी जोशी ने सवाल को ही बेतुका बताया। उन्होंने कहा कि फिल्म के 4 प्रोड्यूसर्स हैं और जो पैसे वो कमाते हैं उन्हें अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स में लगा देते हैं। विवेक अग्निहोत्री की पीआर टीम ने आज तक को बताया कि पीएम राहत कोष में 200 करोड़ रुपए दान करने की बात सिर्फ एक अफवाह है। अब बात करते हैं इस तस्वीर की। ये तस्वीर 13 मार्च 2022 के दैनिक जागरण की इंग्लिश वेबसाइट की रिपोर्ट में शेयर की गई थी। आर्टिकल के मुताबिक विवेक अग्निहोत्री, उनकी पत्नी पल्लवी जोशी और फिल्म निर्माता अभिषेक अग्रवाल ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी। फिल्म निर्माता अभिषेक अग्रवाल ने पीएम मोदी के साथ की कुछ तस्वीरें ट्वीट की थी। विवेक अग्निहोत्री ने इस ट्वीट को कोट ट्वीट भी किया था। यानी विवेक अग्निहोत्री की पीएम मोदी के साथ की ये तस्वीर शेयर करते हुए झूठा दावा चलाया गया कि उन्होंने फिल्म की कमाई के 200 करोड़ रुपए पीएम राहत कोष में डोनेट किए।